उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में नवागत बाराबंकी सीडीओ एकता सिंह ने पदभार ग्रहण करने के साथ पत्रकारों से मुखातिब होकर विकास कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहने की बातें विकास भवन में कही। सीडीओ एकता सिंह ने पत्रकारों से विकास कार्यों की बात साझा करते हुए आगे कहा कि किसी भी मामले को लेकर योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री की योजनाओं को घर घर जन जन तक पहुंचाने की बात पर जोर देने के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजामों की भी बात कही। जितेंद्र शुक्ला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। हम लोग ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट जिसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उनसे इंडिविजुअली वार्ता की जा रही है, कॉज तक पहुंचा जा रहा है कि क्यों रैंकिंग इतनी खराब हुई है, और हम लोग संपर्क में है कंटिन्यूसली रिगरस मॉनिटरिंग की जा रही है, और हम लोग इसमें काफी मेहनत करके इंश्योर करेंगे कि बाराबंकी की रैंकिंग डेफिनेटली इम्प्रूव हो। क्या चैलेंजेस रहेंगे इधर, इलेक्शन भी है और तमाम बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ों को प्रॉपरली हम लोग समय देकर प्रॉपरली उसको टैकल कर इंश्योर ये कर सकें कि सभी चीज़ें हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कर सकें, और उम्मीद ये करते हैं कि जनपद इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। मैम, क्या रोड मैप आपने तैयार किया है बाराबंकी के डेवलपमेंट को लेकर के? जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें हम लोग सभी योजनाओं में संबंधित विभागों से बातचीत कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेगुलरली उसमें डेली समीक्षा की जा रही है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक योजना में हम एक अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप कर सकें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।